100 क्वेश्चंस की सीरीज का ये हमारा लास्ट वीडियो है। अगर आप ये सीरीज सीक्वेंस में कंप्लीट देखते हैं तो आप आराम से टीचिंग मेथड्स के 15 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखकर जाने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 80 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। विच इज लुक एंड सेम मेथड ऑफ रीडिंग, रीडिंग का लुक एंड सेम मेथड कौन सा मेथड होता है? तो लुक एंड सेम मेथड की अगर बात करें तो उस मेथड को हम बोलते हैं द वर्ड मेथड। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, लुक मतलब देखना और से मतलब बोलना। इस मेथड में किसी लर्नर को पिक्चर के साथ कोई वर्ड दिखाया जाता है, फिर लर्नर उस वर्ड को कंप्लीट प्रोनाउंस करता है। जैसे अगर उसको एप्पल की इमेज के साथ एप्पल वर्ड भी दिखाया जाएगा तो वो इसको एप्पल बोलेगा, ना कि APPLE। तो लुक एंड सेम मेथड में लर्नर पिक्चर के साथ वर्ड देख के उसको कंप्लीट प्रोनाउंस करता है। तो आंसर क्या होगा? द वर्ड मेथड। द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ, लैंग्वेज टेस्टिंग की इंटीग्रल अप्रोच में किसका टेस्ट होता है? तो लैंग्वेज टेस्टिंग की इंटीग्रल अप्रोच में हम सिर्फ मीनिंग की बात करते हैं, जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो जा रहा है या नहीं जा रहा, सिर्फ इतना देखते हैं। तो इंटीग्रल अप्रोच में हम लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि किस संदर्भ में हम कोई बात बोल रहे हैं और कितना हम अपने आप को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज इनेबल्स द टीचर टू, इंग्लिश लैंग्वेज की कम्युनिकेटिव अप्रोच टीचर को क्या करने के लिए इनेबल कर देती है? तो कम्युनिकेटिव अप्रोच की अगर बात करें तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में इंटरेक्शन पर जोर दिया जाता है और मीनिंग पर जोर दिया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी लैंग्वेज को सिखाने के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको भी एक्सप्लोइट कर सकते हैं और एजुकेशनल जो प्रिंसिपल होते हैं उनको भी हम एक्सप्लोइट कर सकते हैं। और लैंग्वेज सिखाने के लिए हम इंटरेक्शन करा के या फिर कम्युनिकेशन से कोई लैंग्वेज किसी लर्नर को सिखा सकते हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच किसी टीचर को एक्सप्लोइट करने के लिए इनेबल कर देती है क्या? साउंड साइकोलिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। टीचिंग मेथड्स के कई सारे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ऑप्शंस का भी यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकता है। फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट इज वन वेयर, इंग्लिश को जो सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए पुअर एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है? तो पुअर एनवायरनमेंट या खराब वातावरण जिसमें हम कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाते वो क्या होता है? जब हमारे पास लर्निंग मटेरियल ही नहीं हो। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पास लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता नहीं होना ये सबसे बड़ा पुअर एनवायरनमेंट होता है इंग्लिश को अगर हम एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द असेसमेंट इज, असेसमेंट क्या होता है? आकलन। आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो असेसमेंट के मुख्य उद्देश्य या मेन पर्पज की अगर बात करें तो वो क्या होता है? टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस दोनों को इम्प्रूव करना। इसीलिए हम आकलन करते हैं कि हम कैसे टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं और लर्निंग को भी अच्छा बना सकते हैं। तो असेसमेंट का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? ऑप्शन डी, टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। RTE स्टैंड्स फॉर, RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबको पता होगा RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज, तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो वैलिड रीजन नहीं है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, ये एक नॉलेज की लैंग्वेज है, तो ये तो कारण होता है इंग्लिश को सीखने का, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इट इज़ विंडो टू द वर्ल्ड, ये विश्व को देखने के लिए खिड़की की तरह काम करती है, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, ये ब्रिटिश शासकों की लैंग्वेज है, तो ये कारण नहीं है इंग्लिश को सीखने का, इस वजह से हम इंग्लिश कभी नहीं सीखते। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। अब ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लिबरल मॉडर्न थिंकिंग, लिबरल मतलब उदारवादी और मॉडर्न थिंकिंग मतलब आधुनिक सोच की लैंग्वेज है, तो ये भी कारण होता है इंग्लिश को सीखने का। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट एज, इंग्लिश को इंडिया में आज किस रूप में पढ़ाए जाने की आवश्यकता है? तो इंग्लिश को हम इंडिया में पढ़ते हैं ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन के कारण, कि जिससे हम इंग्लिश में वार्तालाप कर पाएँ। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं भी पता तो आप ऑप्शन की मदद लेके ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हैं। इवेल्यूशन इन ए टीचिंग प्रोग्राम, इवेल्यूशन मतलब मूल्यांकन जो होता है टीचिंग प्रोग्राम में वो कैसा होता है? तो बात करते हैं इवेल्यूशन क्या होता है। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स ऑल्सो, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो लेसन्स के साथ साथ भी चलता रहता है। तो इवेल्यूशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज दैट, डायरेक्ट मेथड का एक प्रिंसिपल क्या होता है? तो डायरेक्ट मेथड की हमने पहले भी बात की थी, डायरेक्ट मेथड में हम कोई लैंग्वेज सिखाने के लिए
सिर्फ टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल एड, इनमें से कौन सा विजुअल एड नहीं होता। विजुअल एड क्या होता है, ऐसी सहायक सामग्री जिसको देखकर कोई लर्नर कोई चीज़ सीखता है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को तो देखकर ही सीखा जाता है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है, लर्नर उसको देखता है और फिर उसको सीखता है, तो ब्लैक बोर्ड तो विजुअल एड होगा। अब बात करें रेडियो, रेडियो में क्या होता है, कोई चीज़ को सुनकर सीखा जाता है, तो ये तो विजुअल एड नहीं होता, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स को भी देखकर सीखते हैं। वर्ड कार्ड्स क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड्स और वर्ड कार्ड एक ही चीज़ होते हैं, इनमें क्या होता है, वर्ड के साथ एक पिक्चर या इमेज दिया होता है, तो पिक्चर या इमेज को देखकर और वर्ड को देखकर कोई लर्नर कोई वर्ड सीखता है, तो इसमें भी क्या होता है, देखकर सीखा जाता है। तो इनमें से कौन सा विजुअल एड नहीं है, रेडियो। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट द स्टूडेंट्स आर गिवन ए डायलॉग टेस्ट टू परफॉर्म बाय द टीचर, किस प्रकार के टेस्ट में टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को एक डायलॉग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। तो डायलॉग टेस्ट की बात करें तो डायलॉग टेस्ट में भी कम्युनिकेशन का ही टेस्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कम्युनिकेटिव परफॉर्मेंस टेस्ट। विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज बर्लीज मेथड, किस मेथड को बर्लीज मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्लीज मेथड हम डायरेक्ट मेथड को ही बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को डायरेक्ट मेथड तो बोलते ही, साथ में इसको नेचुरल मेथड भी हम बोलते हैं, बर्लीज मेथड भी बोलते हैं, फोनेटिक मेथड और ओरल मेथड भी इसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, सिसरोनियन मेथड इज ऑल्सो नोन एज, सिसरोनियन मेथड को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिसरोनियन मेथड हम बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के भी और भी कई नाम है, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सिसरोनियन मेथड, प्रूशियन मेथड, ओल्डेस्ट मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। तो ग्रामर मेथड के भी सभी नाम आपको ध्यान रखने, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, विच इज नॉट द मैक्सिम ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इनमें से कौन सा इंग्लिश टीचिंग का मैक्सिम नहीं होता। तो मैक्सिम क्या होता है, सिद्धांत या सूत्र। तो इंग्लिश टीचिंग के कुछ मैक्सिम या सिद्धांत होते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट की बात अब करते हैं। जैसे इंग्लिश टीचिंग के कुछ मैक्सिम होते हैं, जैसे फ्रॉम नॉन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। तो इनमें से कौन सा मैक्सिम नहीं है, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, क्यों, क्योंकि इसको उल्टा लिखा हुआ है। प्रिंसिपल क्या होगा, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अगर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता तो सही होता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट है तो ये इंग्लिश टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इनमें से कौन सा लैंग्वेज का एस्पेक्ट होता है। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। तो लैंग्वेज की चार स्किल होती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इनके चार एस्पेक्ट भी होते हैं, कौन से होते हैं, सिमेंटिक, फोनेटिक, ग्राफिक और फोनेटिक कम ग्राफिक। तो चारों क्या होते हैं, लैंग्वेज के एस्पेक्ट होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। सिमेंटिक में लिसनिंग होता है, फोनेटिक में स्पीकिंग होता है, ग्राफिक में राइटिंग होता है और फोनेटिक कम ग्राफिक में रीडिंग की हम बात करते हैं। द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू ए ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर, इनमें से कौन सी लैंग्वेज की स्किल्स को पेन और पेपर के जो परंपरागत जो मेथड है उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो पेन और पेपर से हम रीडिंग और राइटिंग का तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लिसनिंग एंड स्पीकिंग का टेस्ट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ए लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर मोटिवेशन इज, जब कोई स्टूडेंट लैंग्वेज को एम्प्लॉयमेंट रोजगार में अवसर के लिए पढ़ता है तो उसका मोटिवेशन किस तरीके का होता है। तो मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है और इंट्रिंसिक भी हो सकता है। अगर कोई एक्सटर्नल रीजन की वजह से कोई लैंग्वेज सीखी जाती है तो उसमें मोटिवेशन होता है एक्सट्रिंसिक, और अगर इंटरनल रीजन की वजह से कोई लैंग्वेज सीखी जाती है तो होता है इंट्रिंसिक। तो यहाँ पर क्या एक्सटर्नल रीजन है, लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं, रोजगार में अवसर के लिए, तो आंसर क्या होगा, एक्सट्रिंसिक। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरीके का असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की हमने पहले भी बात की थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट में लर्निंग के टाइम असेसमेंट या आकलन चलता रहता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक एग्जाम्पल होता है। अब हम एक बार चारों तरीके के असेसमेंट समझ लेते हैं, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ई लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में लर्निंग के टाइम असेसमेंट या आकलन चलता रहता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कोई चीज़ समझने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसका आकलन या असेसमेंट किया जाता है। तो ये क्या होता है, लर्निंग के टाइम होता है, ये क्या होता है, लर्निंग के लास्ट में होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद
असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, और कोर्स जब चलता रहता है तब कौन सा असेसमेंट होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम बोलते हैं सममेटिव असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग में लर्नर खुद और उसके फ्रेंड्स उसका आकलन करते हैं, और असेसमेंट इन लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के टाइम स्टूडेंट्स का या लर्नर का असेसमेंट भी हो जाता है और उनको पता भी नहीं लगता। कोर्स के किसी लेक्चर में उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि वो इंटीग्रेटेड लगता है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट किस तरीके का असेसमेंट होता है, तो लास्ट स्लाइड में हमने बात करी थी, समेटिव असेसमेंट में किसी कोर्स के कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट या आकलन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ऑप्शन डी। तो इस वीडियो सीरीज में हमने टीचिंग मेथड्स के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इन क्वेश्चंस में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप आपके एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार देख कर जाते हैं तो आपको टीचिंग मेथड्स में अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प होगी। अगर आपने टीचिंग मेथड्स की सभी वीडियोस देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम रीड इंग्लिश के और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।